अच्छा जी, तो बात ये चल रही थी, देखें मैंने आपको ये सारा जो है वो ये बता दिया था कि हम ना हमारा इस तरह आया है, ठीक है ना। तो वी आर जो है वो हमारा इसके साथ आ गया, बाकी हमने कंपोनेंट जो है वो इसमें रिजॉल्व किए हैं, और बाकी उसमें कोई ऐसी जो है मुश्किल की बात है नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है ना वो एंगल कितना आना था, -28 sin 30, ये जो ऊपर लिखा है ना बाद में करेक्ट करके, ये पहला गलत है, 35 नहीं आना, 30.41 है। तो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट किसके बराबर हो गया? सर डिस्टॉर्शन है, सर आवाज बहुत खराब आ रही है, अभी सही आएगी जी, तो तवज्जो, अब सही आएगी, मैं आप माइक के नजदीक हो गया हूँ जी। अब देखें जी, ये आ जाएगी। अब आप एक मिनट ये देखें ना डायग्राम, आप देखें कि वी आर क्या है, नेगेटिव आर की तरफ है ना, ये देखें नेगेटिव आर की तरफ है, तो इसका मतलब है वी आर नेगेटिव आ जाना है, सही हो गया ना। तो ये जो है वो वी आर, ये देख ले, -28 sin 30 जो है वो 41 आ गया, 14.17 आर डॉट आ गया, ओके। अब इसी तरह वी थीटा किसके बराबर है, वो आर थीटा डॉट के बराबर है, तो आर हमारे पास किसके बराबर है, वो 62.22 है, और थीटा डॉट क्या है, 30.41 है, और कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये निकालना है जी, इसे आ जाता है 62.22 थीटा डॉट, और ये आगे जो है वो 24 जो है वो 14 आ जाता है, 28 यानी के कॉस 30 जो है वो 41, अंदाजा लगाओ। और ये आ गया, यहाँ से हमारे पास जो है वो थीटा डॉट आ गया है -0.388 रेडियन, और थीटा डॉट आ गया 0.388 रेडियन, सही है ना, या 22.23 डिग्रीज, सही हो गया। उसके बाद आर किसके बराबर, ये निकाल लिया है, आगे एक्सेलेशन पे आ जाए, एक्सेलेशन किसके बराबर हो गया, आर डबल डॉट -r थीटा डॉट स्क्वायर, और ये माइनस ही एक्सेलेशन ऊपर 3.28 निकाला है sin 30.41, और ये 3.28 और sin 30.41 ये आ गया, आर डबल डॉट जो है वो -3.28 और sin 30.41 प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर आ गया, सही है। तो ये जो है वो किसके बराबर हो गया, यहाँ से हमें जो है वो पता चल गया कि जो है वो आर थीटा डॉट स्क्वायर निकालना है ना, ये देखें -341 आर थीटा डॉट, आर 62.22 है और थीटा डॉट 0.388 है, तो ये आ जाएगा आर डबल डॉट 0.77, सही है ना, 7.77 ए थीटा आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट 62.22 थीटा डबल डॉट प्लस 2, और ये जो है वो आर डॉट किसके बराबर था, आर डॉट है वो -14.17, सही है ना, ये हमारे पास ऊपर निकला था, अगर आपको जो है ना वो भूल जाता है जल्दी, ये देखिए ये -14.17 था ना, तो ये वही लिख दिया उधर 14.17 0.388 3.28 cos 40 के बराबर है। तो इसी तरह ये दूसरी साइड पर जो है वो यानी कि ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी थीटा डबल डॉट ये 0.22 रेडियन जो है वो बन गया, सही है। तो ये थीटा डबल डॉट भी निकल आया है, और आपने आर डबल डॉट भी निकालना है, सही हो गया ना, ये सारी चीजें निकल आई। एक दफा मैं आपको जो है वो ये प्रॉब्लम जो के ना अब जो है वो आसान ही था, ये प्रॉब्लम कौन सा था, 142 था, तो ये देखिए जी 142 हमारा ये प्रॉब्लम था, और इसके ये आंसर जो है वो निकले हैं, थोड़ा सा इसमें रफ वर्क ज्यादा हो गया था, तो जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो असल में मुश्किल थोड़ी सी बनी है।
लेकिन मैं आपको जो है वो ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो आंसर आए हैं वो देख लें, वी आर और ये जो है वो वी थीटा इसके बराबर आ गए हैं 14.17 माइनस और वी थीटा आर थीटा डॉट 0.388, ठीक हो गया। ये देखें जी आपको अभी के अभी बताते हैं आंसर की तरफ चले, वो आर डॉट माइनस 14.17 और आर डबल डॉट 7.71 और थीटा डॉट 0.388 रेडियन और थीटा डबल डॉट, ये इसको यार बाद में आप देखना तो आपको क्लियर क्लैरिटी हो जाएगी। सर 323 को ऐड कर दे, सिर्फ 23 को ऐड करते हैं यार, असल में ना लोग ही एक टाइम सारे ऐड हो गए हैं, चलें आ जाए। अब है ये जो है वो इस प्रॉब्लम पे यार हमारा बहुत ज़्यादा टाइम यार लग गया, वजह सिर्फ यही बनी है कि ये थोड़ा सा ना मैंने इतना डिटेल से थोड़ा रफ भी किया था। चलें कोई मसला नहीं, आ जाएं जी 143 प्रॉब्लम पे, एक दफ़ा आपको थोड़ा गो थ्रू हो जाए, आपको बाद में जब वीडियो देखेंगे आसानी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी मैंने किया है आप लोगों के लिए। ये प्रॉब्लम देखें जी, द स्लाइडर पी कैन बी मूव्ड इनवर्ड, ये देखें जी ये स्लाइडर पी जो है वो बना हुआ है, द स्लाइडर पी कैन बी मूव्ड इनवर्ड बाय मींस ऑफ द स्ट्रिंग एस व्हाइल द स्लॉटेड आर्म रोटेट्स अबाउट पॉइंट जो है वो ओ के, ये पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है लिंक, और इस टाइम इसकी पोजिशन आर है और ये थीटा, ठीक हो गया ना। और एंगुलर पोजिशन ऑफ द आर्म इज गिवन बाय थीटा के क्या 0.8 और टी स्क्वायर बाय 20 वेयर थीटा इज इन रेडियन एंड टी इज इन सेकंड, द स्लाइडर इज एट आर इज इक्वल टू 1.6 व्हेन टी इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि जब टी 0 है ना तो उस टाइम आर कितना है 1.6 मीटर है, तो अब जो है वो एंड देयर आफ्टर इज ड्रॉन इनवर्ड एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 0.2 मीटर। वो कहता है कि इसके बाद वो अंदर की तरफ उसको खींचा जाता है, यानी पहले 1.6 था और अब देख लें कि उसको फिर उसके बाद क्या है वो इनसाइड जो है वो खींचा जाता है, यहाँ पे ये थ्रेड लगा हुआ है कॉन्स्टेंट रेट। अब आप एक मुझे एक बात बताएं कि अगर उसको इनवर्ड खींचा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर डॉट नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि अगर बाहर की तरफ वो जा रहा होता तो फिर होता पॉजिटिव, पॉजिटिव ई आर इस तरफ होना है, लेकिन अब वो चूंकि इनसाइड जो है वो खींचा जा रहा है तो इसका मतलब है के -0.2 मीटर पर सेकंड बन जाएगा ये अंदर की तरफ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर एक्सप्रेस्ड बाय द एंगल अल्फा रिलेटिव टू द एक्स एक्सिस एंड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर व्हेन टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। जी तवज्जो, ये देखें जी अब इसका सलूशन मैंने कैसे किया है, इसका सलूशन मैंने अलबत्ता जो है सही किया होगा, ये देखें इधर आए 2/143 ये प्रॉब्लम है, आसान है। ये देखिए थीटा डॉट किसके, थीटा किसके बराबर है 0.8 माइनस टी स्क्वायर बाय 20, आर डॉट क्या है 1.6 के बराबर है, आर डॉट 1.6 है ना इनिशियल, देखिए इनिशियल कितना बताया है उसने 1.6, तो इसको मैंने नाम मैंने आर डॉट रख दिया, टी टाइम जीरो पे क्या है वो आर डॉट के बराबर है, ठीक हो गया। अब v क्या है, v नॉट किसके बराबर है वो r डॉट के बराबर है और -0.2 है, क्यों, cos draw inside, क्योंकि वो inside जो है वो खींच रहा है, अगर वो outside होता तो फिर positive होता, तो ये reason है। ये बाद में आप मेरे से डिस्कस करना ना, ये इसीलिए तो होता है कि आप लोग मेरे से डिस्कस किया करें, बाद में समझा करें, अभी जो है वो आपको 100% समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो साथ साथ चल रहे हैं उनको बताऊं। तो इसका मतलब है कि आर डबल डॉट जो है वो जीरो है, क्यों जीरो है, देखें कि एट ए कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट रेट है तो इसका मतलब इसका डबल डॉट जो है वो जीरो हो गया। अब थीटा डॉट किसके बराबर हो जाएगा, इसका आप जो है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा 0.8, यानी देखें ना डेरिवेटिव लें 0.8 और आगे आ जाएगा 2t बाई 20.8 माइनस टी बाई 10, और अब इसका डबल डेरिवेटिव लें तो ये 0.8 कांस्टेंट है जीरो आ गया और 1/10 -1/10 आ गया। अब लोकेट लोकेट जो है व्हेन वेयर इज द स्लाइडर, ये क्या लिखा हुआ है, लोकेट वेयर इज द स्लाइडर एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, क्योंकि उसने कहा है कि आपने टाइम 4 सेकंड पे बताना है कि जो है स्लाइडर जो है या उसकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कितना है, क्योंकि टाइम जीरो पे आर 1.6 है तो 4 सेकंड के ऊपर क्या स्टेटस है, तो लें जी टाइम 4 सेकंड पे क्या हो जाएगा, एस हमने देखना है कि टाइम 4 सेकंड पे कितना हो जाएगा, यानी वही आर किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा एस प्लस वी नॉट टी, क्यों,
क्योंकि वो कांस्टेंट रेट से आता है, तो कांस्टेंट की इक्वेशन लगाई है। ये लोग, ये भी आप सारे देख लो, क्योंकि देखें वी आर 1.6 एंड इट्रॉन इज एट द कांस्टेंट रेट। तवज्जो रहे, जो अब जो वो कांस्टेंट रेट से आ रहा है ना इधर, ये देखें, तो इस वजह से हमने कांस्टेंट वेलोसिटी की इक्वेशन लगाई है। ये देखें वी नॉट और ये टी, तो अब क्या 1.6 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ना उसका, देखिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका है 1.6, और उसके बाद क्या चीज हो गई, क्योंकि इनिशियल उसने दिया हुआ था, तो उसके बाद ये इतने रेट के साथ जो है वो, यानी वेलोसिटी उसके अपोजिट है और टाइम 4 सेकंड है, तो 1.6 माइनस 0.8 कितना आ गया कि आर, हमें पता चल गया कि टाइम 4 सेकंड पे 0.8 रह गया, क्योंकि वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा था, तो इनिशियली 1.6 था, तो 4 सेकंड बाद वो इस रेट के साथ इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ कम, और अब रह गया 0.8। ठीक हो गया, तो हमें पता चल गया कि टाइम जो है वो 8 सेकंड पे वी आर आर डॉट के बराबर होना है ना, तो आर डॉट कितना बताया हुआ था, वो -0.2 उसने ऊपर बताया हुआ था, ये देखें माइनस उसने, ये उसने खुद बताया हुआ था -0.2, तो वी थीटा किसके बराबर है, वो है आर डॉट थीटा डॉट, तो आर डॉट जो है वो अब कितना बना, आर कितना है 0.8 बना हुआ ना 4 सेकंड पे, और थीटा डॉट किसके बराबर है, थीटा डॉट वो इस, ये जो फार्मूला है ना इसके अंदर जो है वो 4 सेकंड पुट करो, तो जब इसमें पुट करोगे तो 0.8 माइनस 4/10 आ जाएगा, तो 0.8 माइनस जो है वो 4/10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट, तो 0.32 वी थीटा इसके बराबर आ जाएगा। अब आगे क्या आ गया, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई वी वी आर थीटा, स्क्वायर किया ये 0.377 आ गया। ओके, अब आ जाए जी थीटा, कि थीटा जो है वो किसके बराबर जो है वो वैल्यू आ गई है, थीटा आपका आ जाता है जी 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये देखे ना यहाँ पे इसके अंदर थीटा के अंदर भी 4 सेकंड पे वैल्यू निकाल लें, तो ये कितना आ जाएगा 0.82 और माइनस टी स्क्वायर ये 4, ये आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू 2.4 रेडियन यानी कि 137.5 डिग्री आती है, तो 137 तकरीबन इस जगह पे जाके बनेगा, ये देखिए ऐसे, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे 120 कहीं बनेगा, थीटा इधर से मैयर हो रहा है, तो ये उसकी पोजिशन बनेगी, ये ई आर बन गया, ये ई थीटा बन गया। अब जो है वो हमने क्या निकालना है कि फाई एंगल मैंने कर दिया है किसका, ये मैंने कर दिया है कि जो वेलोसिटी का रेडियल, ये कंपोनेंट उसी तरह ड्रॉ किए हैं, बाद में आपने करने हैं, फाई टेन इनवर्स क्या है वी आर बाई वी थीटा, टेन इनवर्स आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 3.2, तो 30 डिग्री आ गया हमारे पास, ये फाई वेलोसिटी का, वेलोसिटी का जो है वो ये फाई जो है वो ये आ गया। अब एल्फा सॉरी, अब जो है वो एल्फा उसने पूछा था ना हॉरिजेंटल के साथ एंगल, तो अब वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 32 प्लस जो है वो 90, ये कैसे, अब ये अब आपको यहाँ पे समझ नहीं लगेगी, ये मैं आपको बताता हूं, हाँ जी आपको अल्फा जो है वो बताता हूं, इसको मैं स्क्रीन शॉट करके यार वहां पे ले, एक मिनट यार, एक तो ये ऊपर आ गया, तवज्जो, ये आ गया जी इसमें आ जाए जी ये पेंट में, तो तवज्जो रहे, तवज्जो, हमने क्या काम किया है, ये देखें बात सुने, ये जो है ना हमने ये फाई उसने निकाला है ना, तो अब आप एक मुझे ये बात बताएं कि ओहो ये रेड कर, आप मुझे बताएं कि यहां तक एंगल कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा
यानी 137 हमें गिवन था, और उसके बाद ये एंगल कितना बन गया, ये देखें ये बन गया 90, तो कितना बन गया 137.52 प्लस ये 90 बन गया, और साथ आगे ये जो अल्फा, ये देखें ना, ये आपके पास जो ये एंगल वेलोसिटी का दिया हुआ और ये एंगल है आपके पास अल्फा, तो ये कितना बन गया 259। तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो नेट एंगल बनता है वो बन जाता है 137, यहां तक बनता था, आगे 90 जो है वो ये बनता है और अल्फा ये बनता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल जो है वो ये बन गया है, सही है, वेलोसिटी का, ये है हमारे पास वेलोसिटी का एंगल। अब आपको बताता हूँ कि एक्सेलरेशन का कैसे निकालना है, ये इस तरह था लेकिन हर चीज अब देखो बंदा उधर नहीं ना लिख सकता, अब इस पे दोबारा आना। अब एक्सेलरेशन पे आ गए, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, ये आर डबल डॉट जीरो है, 0.8 ये वैल्यू पुट करके 0.18 आ गया, ए थीटा उसी तरह निकाला, ये वैल्यूज पुट की ये आपने बाद में देखनी है, ए थीटा आ गया जी नेगेटिव, ये अहम बात है कि ये ए आर भी नेगेटिव आ गया है और ए थीटा भी नेगेटिव आ गया है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये मैंने एक्सेलरेशन इधर अलग ड्रॉ किया है, एक्सेलेशन अलग ड्रॉ किया है, तो ये हमारे पास ए आर देखें बहुत थोड़ा था ना, पॉइंट माइनस 0.128 था, तो ये नेगेटिव देखें डायरेक्शन में ये वाला मैंने ड्रॉ किया, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ यार, ये देखें ये है हमारे पास ए आर नेगेटिव ई आर में है, और ए थीटा क्या है वो भी नेगेटिव था, तो थीटा इस तरफ पॉजिटिव था तो ए थीटा इस तरफ आ गया, इस पे जो है वो ये किया, तो ये हमारे पास जो है वो देखें कि ये एंगल जो है वो हमने निकालना है, और ये एंगल की वैल्यू कितनी आई है वो बताता हूँ। देखें आप मुझे एक बात बताएं कि वेलोसिटी का ये एंगल था थीटा, तो आप मुझे बताएं कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, यानी ये वाला एंगल आर और थीटा का जो परपेंडिकुलर है ना, ये देखे ना थीटा परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल बनेगा उसी तरह 137 प्लस जो है वो 90, क्योंकि यहाँ तक एंगल है 137, सही है ना, और उसके बाद ये एंगल जो है वो बन गया 90, ठीक है ना। अब ये 90 में से जो है वो टोटल जो है वो यानी कि 180 माइनस किया तो हमारे पास आ गया यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का एंगल, तो सेम जो है वो जो है वो ये थीटा एक्सिस, ये भी तो बन रहा है ना, ये भी थीटा एक्सिस था ये उस पे, ये तो इसके साथ जो है वो एंगल ये 47 जो है वो 52 ये बन गया, ठीक है। और अब आप जो है वो अगला टास्क जो है वो मुझे ये बात बताएं कि ये यहाँ तक जो है वो टोटल जो है वो बनता था 90, अब आपने काम क्या किया कि अभी देखें ना, आपने साथ जो है वो इसके एंगल भी निकालना है ना, ये देखें आपने ए आर और ए थीटा लिया, तो ये एंगल आपको पता चल गया कि किसके साथ एंगल बन रहा है, ए आर बाई ए थीटा, आपको पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन का कम वेक्टर है ना उसका थीटा के साथ एंगल बन रहा है 28, तो ये थीटा के साथ आपको पता है कि जो ये वाला एंगल बनेगा ना एक्सेलरेशन का, ये थीटा एक्सिस के साथ वो बन जाएगा 28, ये वाला 28.07 ये बन जाएगा, ये देखें ये एंगल यानी एक्सेलरेशन का थीटा के साथ एंगल बनकर 28.07, सही है। तो एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन गया, आपका ये एंगल था 47 में से 28.07 माइनस किया तो आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ 9.45 है, ये देखें जी इसका आंसर जो है वो मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो आपको जो है वो कुछ क्लैरिटी हो। प्रॉब्लम 143 था, प्रॉब्लम नंबर था 143, तो वेलोसिटी थी 0.377 और एक्सेलरेशन था 0.272, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी चेक करें यार, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी 0.377 है और एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने इधर निकाली होगी कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आ गई है 0.44, ये इधर ये अल्फा वी वेलोसिटी का एंगल ये आ गया है, और जो एक्सेलरेशन की मैंने मैग्नीट्यूड इधर अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल नहीं निकाल ली, लेकिन वो वैल्यू यही आएगी आप चेक कर लें, ठीक है ना, वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन की सेम आएगी जो कि मैंने ये है वो ये निकाल ली है, ठीक।
ठीक है ना, 0.272, और अल्फा कितना आ गया है 19.44। तो अब आप ये देखें कि ये वाला अल्फा जो है वो वैल्यू कितनी आ गई है, 19.45। ये एक्सेलेरेशन का हॉरिजेंटल के साथ है और वेलोसिटी का हॉरिजेंटल के साथ कितना 259, वो उसने दिया हुआ नहीं है। वेलोसिटी का हॉरिजेंटल के साथ कितना 259.52, ये जो ऊपर निकाला था ये 259.52, और एक्सेलेरेशन का हॉरिजेंटल के साथ बनता है 19.45, ये वाला बनता है, लेकिन वेलोसिटी का उसने दिया नहीं है, वो भूल गया या उसने लिखा नहीं है, तो ये मैंने जो है वो ये कर दिया था। अच्छा अब यार इस पे ना मेरा टाइम जो है ना वो लग गया ज्यादा, लेकिन ये तो हमने, अच्छा जी आ जाए जी यार बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम पे आ जाए। रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम में जो है वो पहला है 2/144। अब ये देखें कि 2/144 जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बाद में जो है ना वो ये असल में देखो आपको मैंने इसीलिए कहा था इसको पहले देखना, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, आपने ये सारे एक दफा देखने हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चाहे मुश्किल भी बता रहा हूँ आपको समझ अभी नहीं भी आ रही, बाद में आप देखेंगे ना वीडियो तो ये आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा स्लो स्लो करके देखना क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, प्रॉब्लम मैंने सारे सॉल्व किए हैं, बस थोड़ी तवज्जो देना, हम कुछ जो है वो एक दो प्रॉब्लम तीन करते हैं, ये आगे आसान है। 2/144 प्रॉब्लम बड़ा अहम है और इसको पढ़ते हैं। वो कहता है कि कार्स ए एंड बी बोथ आर मूविंग विद, अब मैंने चैट नहीं पढ़नी, अब इस तरफ तवज्जो दें, इस तरफ तवज्जो दें, प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, बाद में देखो आपको समझ आ जाएगी, आप जब सोल्यूशन भी आपको सारा मैंने दिया हुआ है। कार्स ए एंड बी आर बोथ मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी ऑन द स्टेट एंड लेवल हाईवे। आप ये देख रहे हैं कि ये दो कार्स जा रही हैं ए और बी इधर स्टेट रोड पे, सही है, दे आर साइड बाई साइड इन एडजेसेंट लेन। वो कहता है कि साथ साथ रोडों पे बिल्कुल जो है वो पैरेलल जा रही हैं। इफ द रडार इज यूनिट इज अटैच टू द स्टेशनरी पुलिस कार पी, वो कहता है कि अगर यहाँ पे रडार जो है वो अटैच किया हुआ, ये पुलिस की कार खड़ी है ट्रैफिक पुलिस की, ठीक है, इफ द रडार इज स्टेशनरी पुलिस कार पी मेयर लाइन ऑफ साइट वेलोसिटी, वो कहता है कि ये यानी जो इसको वेलोसिटी इधर नजर आ रही है ना राडार को, चूंकि देखो इनकी अपनी स्पीड तो डिफरेंट होनी है, लेकिन राडार ने जो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है वो इस डायरेक्शन में रिकॉर्ड करनी है, सही है ना, तो क्या काम करेगा लाइन ऑफ साइट वेलोसिटी, यानी राडार क्या करेगा कि उसको जो लाइन ऑफ साइट की वेलोसिटी है ना वो उसने जो है वो मेजर करनी है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि व्हाट स्पीड वी डैश विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर ईच कार, तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट की वेलोसिटी वी डैश है वो आपने बतानी है कि वो कितनी रिकॉर्ड करेगा, इनकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है वो वी है, लेकिन जो इस राडार ने रिकॉर्ड करनी है वो कितनी करनी है। व्हाट स्पीड वी डैश विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर ईच कार, यूज द वैल्यू वी 70 mph और एल क्या है वो 200 ft है और डी क्या है 22 ft है। अब ये डी क्या है, दो कार के दरमियान डिस्टेंस है, और ये डी क्या है वो कार ए और पुलिस कार के दरमियान ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, सही है, और ये एल क्या है ये पुलिस कार और इन कार्स के दरमियान हॉरिजेंटल ये इस तरह डिस्टेंस है, ओके। प्रॉब्लम आसान है, आपने करना ये कैसे है इसके थोड़ा सोल्यूशन की तरफ चलना, एक मिनट, ये मैंने 2/145 उसके बाद एक मिनट ये ऊपर था ना तो इसका मतलब वो मैंने नहीं करवाया, सबर यार सबर क्या हो गया, हाँ ये बाद में है, सही है, ठीक है ठीक है, सही चल रहे हैं, हाँ 2/144 पे आ जाए, तवज्जो रहे यार इस पे, मैंने कोई जो है ना वो कटिंग नहीं की, ये मेरा ख्याल है पहली फुर्सत में हो गया था। ये देखें जी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हर कार का आपने अपना ए ई आर और ई थीटा बनाना है, आपने देखा पॉइंट ए पे तो आपने इसका ये रेडियल एक्सिस बन गया और ये ई थीटा बन गया और ये क्या बन गया, ये देखें ई आर बन गया और ये ई थीटा बन गया।
अब आपने देखा कि वेलोसिटी वी इस तरफ है, वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो ये क्या वी थीटा बन गया और ये वी आर, जल्दी बताएं वी आर नेगेटिव बन गया ना, क्योंकि ये देखें ई आर इस तरफ पॉजिटिव है और वी आर इस तरफ है, तो ये और वी थीटा क्या है वो पॉजिटिव है। इसी तरह बी पे अलग जो है वो आर ड्रा करेंगे तो इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसका एंगल जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और कोई फर्क नहीं थीटा, बाकी डी दिया हुआ है। ये देखें वेलोसिटी वी 70 माइल पर आर है। अब थीटा ए यानी आपने क्या करना है कि जो कार ए है इसका हॉरिजेंटल के साथ मतलब एंगल कितना बनेगा थीटा ए, वो किसके बराबर बनेगा, वो बन जाएगा 22। ये देखें यानी कार ए का 22, ये जो है वो वर्टिकल ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और डिवाइडेड बाय लीड आ गई ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस 200, तो ये आ जाता है जी 6.277 डिग्री। और अब जो है वो कार ए के लिए अलग मैं कर रहा हूँ अलग, तो वी आर यानी आर डॉट कार ए के लिए किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी जो कि नेगेटिव है, वी आर रेडियल कंपोनेंट नेगेटिव है तो माइनस वी, और यानी ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना, तो वी कॉस थीटा ए माइनस 70 फुट पर सेकंड में कन्वर्ट किया कॉस 6.277 ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस 102.051 फीट। अब हमने क्या काम किया कि इसको जो है वो माइल में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आंसर माइल में दिए हुए हैं, तो 3600 पे मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड किया 582 तो 69.58 माइल पर आर आ गया। ओके ठीक है, अब हमने देखा कि वी ए डैश किसके बराबर है, वो वी आर के बराबर है। ये देख लो, मुझे एक बात बताओ कि इसमें जो लाइन ऑफ साइट आनी है सिर्फ हमारे पास रेडियल कंपोनेंट आना है, थीटा कंपोनेंट आना ही नहीं है, क्योंकि देखो राडार तो ये देखो ना ये आर डायरेक्शन में देख रहा है, वो थीटा डायरेक्शन में उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, जो थीटा डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होनी है वो इसको नजर नहीं आनी पुलिस कार को, वो डिफरेंट होनी है, तो इसको सिर्फ रेडियल वाली वेलोसिटी जो है ना उसे जो डिटेक्ट करनी है तो वो जो है वो इसको नजर आएगी, क्योंकि लाइन ऑफ साइट बिल्कुल वही है कि ए और बी को जो लाइन मिला रही है वो लाइन ऑफ साइट है, तो इस वजह से वो वी डैश किसके बराबर हो जाएगा, वो वी आर के बराबर हो जाएगा माइनस 69.58। नेगेटिव साइन इट लुक्स अप्रोच टू पी और पॉजिटिव क्या है अवे फ्रॉम पी, यानी अगर देखे ना यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो वेलोसिटी का इसका मतलब है कि ये हमें ऐसे लगेगा कि कार इस तरफ जा रही है ना, तो इस वजह से उसको वी डैश नजदीक लग रही है, लेकिन अगर कार जो है वो रिवर्स जा रही होती तो फिर क्या होता, ये हमें हमारे पास पॉजिटिव आता और ऐसे लगता कि कार जो है वो दूर जा रही है, तो ये जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव का जो है वो ये पता चला है हमें। ये देखें जी आंसर भी मैं चेक करवाता हूँ प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नंबर है 2/144 ताकि आपको आंसर 2/144 ये देखें वी ए डैश 69.6 है, सही है ना 69.6 है, तो अब आप ये देखिए हमारा आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आया 69.58 यानी 69.6 आया एग्जैक्ट। चलें जी कार बी के लिए आ जाएं, तो उसका थीटा बी कितना लगा है, वो जो कि देखें कार बी क्या है वो डबल है ना, वो इधर पड़ी हुई है तो 22 ये हो गया 22 ये होगा, पुलिस कार से वो डबल डिस्टेंस पे है, तो ये आ जाएगा कितना 44 डिवाइडेड बाय 200 डिस्टेंस हॉरिजेंटल सेम है, तो ये आ जाता है ये 12.407। अब वी आर किसके बराबर बन गया, वी डैश इसका रेडियल कंपोनेंट उसी तरह ये बन गया माइनस 70 स्पीड सेम है 5 to 800 और कॉस 12 आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस 100 फिट पर सेकंड, इसको जो है वो माइल पर आर में कन्वर्ट किया तो माइनस 68.36 सही है ना, ये आ गया आंसर। और अब आप चेक करें तो ये माइनस 68.4 आ गया है और हमारा आंसर कितना है 36, इसका मतलब क्या हो गया माइनस यानी 0.4 आ गया, तो हमारा आंसर भी एग्जैक्ट आ गया है। अब आप चेक कर लें जी कि कोई इसमें जो है वो मैंने जो बताया है, ये आसान सा प्रॉब्लम था यार, मुश्किल तो नहीं था भी नेगेटिव। चले जी बिल्कुल घबराना नहीं है, समझ आ रहे ना, और हमने चलना है भला किस पे, प्रॉब्लम नंबर है ठीक है हाँ जी ये वाला जो है वो 145 इस पे आ जाए जी, इसका मैंने सिर्फ एक पार्ट आपको करवाना है सही है ना, बाकी अगला पार्ट जो है वो इंशाल्लाह आप खुद करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है वो समझे बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, 2/145 वो कहता है कि अ फायर वर्क शेल पी, ये देखें
ये आतिशबाजी जो है वो हो रही है, और यहाँ से जो है पॉइंट ए से तवज्जो रहे, अ फायर वर्क शेल पी इज लॉन्च अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए एंड एक्सप्लोड्स एट एपेक्स। वो कहता है यहाँ से इसको छोड़ा जाता है और यहाँ पे जाके वो फट जाता है एपेक्स पे एट आल्टीट्यूड पे, और उस वक्त कितनी उसकी हाइट है 270 फीट है। Relative to an observer at O, वो कहता है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो आदमी यहाँ पे खड़ा है उसके लिहाज से क्या होता है, determine the values of r dot and theta dot when the shell reaches an altitude of y 170 feet। वो कहता है जब 170 फीट पे जो है वो ये पहुंचता है तो उस टाइम बताएं कि इसकी निगलेक्ट एरोडायनामिक ड्रैग, तो बताएं कि आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है। तो अब वो निकालेंगे कैसे, आपको सबसे पहले पॉइंट पी पे वेलोसिटी देखनी है कि वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी को निकाल लेंगे, फिर ई आर और ई थीटा एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे आराम से, और उस वेलोसिटी को कंपोनेंट में कर देंगे रिजॉल्व, जो पॉजिटिव में होगा वो पॉजिटिव में मतलब कंपोनेंट देख लेंगे, आर डॉट हो जाएगा, फिर जो है वो थीटा आर थीटा डॉट हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ आपने समझना है कि किया कैसे है, ये देखना, ये प्रॉब्लम किया, ये ई आर आ गया, ये ई थीटा आ गया 275 और ये 175, ये डिस्टेंस बन गया, सही है। तो इसको किया कैसे है, ये जो है आपने पॉइंट पी पे जो है ना वो वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम ए टू पी, तो वी पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी ए स्क्वायर 2 ए एस पी माइनस एस से। तो आपको पता है एस से जीरो आ गया, ओरिजिन ग्राउंड पे लिया है, तो VP स्क्वायर VA स्क्वायर 2 माइनस 32.2 और 175 आ गया, सही है। ये आगे इक्वेशन नंबर जो है वो 1। अब फ्रॉम P टू H, अब P टू H किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है कि जब वो एक्सप्लोड होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, क्योंकि एपेक्स पे क्या होती है वेलोसिटी हो जाती है जीरो, वेलोसिटी जब हुई जीरो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट P पे आ गई और उसके बाद प्लस 2 आ गया, और डिसेलरेशन कितना है ये देखे ना माइनस 32 ग्रेविटेशनल है 32.2, ये मतलब नेगेटिव आ गया ना, और चूंकि हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और ऊपर डिस्टेंस कितना रह गया है, देखिए टोटल था 275 यहाँ तक था 175, तो ऊपर 100 रह गया, तो ये 100 रह गया, तो ये वी पी स्क्वायर जो है वो यहाँ से वैल्यू आ गई, यानी कितनी आ गई वो हम जो है वो निकाल लेते हैं, वी पी स्क्वायर ये इसके बराबर आ गया। अब आपने निकालना क्या है, अच्छा वी ए स्क्वायर ये इसके बराबर है, तो वी ए की वैल्यू ये आ गई और वी पी की वैल्यू ये आ गई, आप आपकी मर्जी है, वी ए निकालना चाहते हैं अगर लॉन्च वेलोसिटी भी निकालना चाहते हैं निकालें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मैंने वैसे निकाल दी है। आपको वी पी चाहिए थी ना, तो डायरेक्ट आपने ये इक्वेशन लगानी थी, इक्वेशन नंबर 3 से वी पी निकल आनी थी, आपको ये वी ए निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने बस निकाल दी है सिर्फ ताकि आपको पता हो कि लॉन्च वेलोसिटी उसकी कितनी थी फायरवर्क्स की, सही हो गया। अच्छा जी, आपको वी पी निकालनी थी, वी पी आपने सिंपल इस इक्वेशन से बस निकल आनी थी, सॉरी इससे निकल आनी थी बस, ठीक है, तो ये निकल आई। अब वी पी को देख लो, बस ये है वो इधर ये ऊपर वर्टिकल थी, इसको कंपोनेंट में कर लिया रिजॉल्व ई आर और ई थीटा में, ये देखें ये वेलोसिटी वी पी है, ये एंगल थीटा ये बन गया है, ये देखें ना ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा ये 90 है, तो ये फिर थीटा बन गया, सही है ना, बस ये एंगल में निकाला 26.6 थीटा आ गया, ई आर वी पी साइन थीटा, ये देखें ये 26.35.88 वी थीटा आर थीटा डॉट, और ये वी पी साइन थीटा 80 ये आ जाएगा, तो आर थीटा डॉट जो है वो मकसद है इसके, आर आपने निकाल लिया ना, आर जो है वो किसके बराबर निकलना है, ठीक है ना, हाँ जी आर ये मैंने इधर मेरे ख्याल नीचे निकाला है कहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मेरी एक बात सुने, यहाँ पे ये 350 भी दिया हुआ है, आर 175 है, तो उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लोगे तो आर सीधा सादा सा जो है ना वो आ जाएगा, उसमें कोई इतना मसला नहीं, तो आर डॉट ये देखें ये आर डायरेक्ट लिखा 350 175 का स्क्वायर और 391.31, तो ये आ गया है हमारे पास थीटा डॉट, और थीटा डॉट 0.1384 ये आ गया है, तो ये जो है वो आंसर जो है ना वो इसका आ गया। प्रॉब्लम आसान सा था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, और ये प्रॉब्लम नंबर था 145, यही था ना, तो ये देख के 145 का आंसर, आर डॉट कितना है 35.9 और थीटा डॉट कितना है 134, सही हो गया। ये लेगी ये चेक करें, हमारा आंसर भी जो है वो सेम आ गया है, ठीक हो गया या नहीं हुआ सही, ये देखना
आर डॉट जो है वो हमारे पास 35 आ गया है और थीटा डॉट जो है हाँ जी हमने 145 आर डॉट देख रहे 35.9 है, ये देख रहे 35.88 आ गया हमारा। 35.88 का मतलब क्या है 35.9 और ये थीटा डॉट क्या है 0.1834, बिल्कुल ठीक हो गया। चैलेंज अब ये बिल्कुल ठीक है, 246 आपने खुद करना है और फिर आगे जो है वो 2147 भी आपने खुद करना है और उसके बाद मैंने कौन सा 148 किया है जी, एक मिनट मैंने प्रॉब्लम आगे कौन सा किया है नहीं, हाँ ये जो है ये प्रॉब्लम उसके बाद मैंने किया 154 नहीं 140 हाँ 154 मैंने किया, 154 कौन सा है एक मिनट देखने देना मुझे, नहीं वन फोर्टी सिक्स कौन सा प्रॉब्लम था, ये आपने खुद करना है और मैंने आगे जो प्रॉब्लम किया है सबर करना, हाँ ठीक है ये तो पिछला प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा आगे एक्सेलेशन वाला था, एक्सेलेशन वाला भी मैंने कर दिया है तो ये भी आपके लिए थीटा डबल डॉट भी है ना वो आपने कर लेना। ये देखो आपके लिए मैंने कितनी आसानी की है, 146 भी आपको कर दिया है सर, बस कर दो मैं बिल्कुल बस करता हूँ, लेकिन ये 146 भी मैंने कर दिया था। आगे मैंने जो प्रॉब्लम किया है 146 के बाद ये है 154 प्रॉब्लम भी जो है वो आप चले इसका सोल्यूशन किया हुआ है इसको खुद कर लेना, लेकिन मैं आगे देखता हूँ कि इसके अंदर कोई जो है मुश्किल प्रॉब्लम जो है वो मैं देख लूँ। ये किया हुआ मैंने 148 और फिर 151 आ गया है, सही है। चलें जी आपके लिए अब जो है वो काम तकरीबन मैं ख़त्म करने लगा हूँ, लेकिन काम मैं ऐसे ख़त्म करने लगा हूँ कि मैं लास्ट प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ, भला कौन सा, ये वाला 251 बस। तो 251 जो है ये प्रॉब्लम आपको बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी अब आप देख लेना। यार इधर मैंने इसमें सोल्यूशन ही डालना, 154 डाल दिया है तो 160 कर दिया है तो 51 मेरे ख्याल मैंने इसमें लगाना ही भूल गया हूँ। चलें अगर ये मैं लगाना भूल गया हूँ तो कोई मसला नहीं, इसकी जगह पे मैं कोई और ही एक बता देता हूँ बस प्रॉब्लम, ताकि जो है वो आपको थोड़ी आसानी हो, ठीक है ना जी। तो ये जो रोबोट वाला था 154 था, 160 कौन सा कस्टम 160 प्रॉब्लम कौन सा है भाई, वो है ये वाला। चले जी ये लास्ट जो है वो प्रॉब्लम में, बल्कि लास्ट क्यों यार इसमें आ जाए जी 161, बस आपको ये वाला प्रॉब्लम एक जो है वो मैं बता देता हूँ कौन सा 161, ताकि आपको यार जो है ना वो आसानी हो। 161 आप 160 मैं आप देखें ये आखिर वाला करा रहा हूँ, बाकी दरमियान में मैंने सॉल्व किया, आप ये कर लेना आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन सर जो आपने सॉल्व किए हैं इनके सोल्यूशन सेंड कर दें, ये ड्राइव में पहले ही पड़े हुए हैं, ये ड्राइव में आप चेक करेंगे मैंने आप लोगों को पहले सॉल्व करके दे दिए, तवज्जो रहे। ये देखना ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको जो है ना बड़ा फायदा होगा। 2/161 ये आखिरी प्रॉब्लम आपको अभी बस 5 मिनट में करवाने, 5 मिनट आप तवज्जो देना बस। देखें उसने कहा है कि ये देखें द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पी इज